अदनान शेख और लवकेश कटारिया की हुई है भयंकर फाइट। दोस्तों, बिग बॉस OTT3 के घर में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जबरदस्त फाइट हो रही है। अब फिर एक फाइट हुई है जिसका फैंस को शायद इंतजार भी था। वो फाइट है अदनान शेख और लवकेश कटारिया। जैसा कि आप जानते हैं, आते ही अदनान शेख ने कहा था कि वो लवकेश कटारिया को सबक सिखाएंगे। लगता है भाई वो घड़ी आ गई है। बिग बॉस के घर में इनकी फाइट हुई है जिसके वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। फाइट का रीजन क्या है, चलिए सारी डिटेल आपको बताते हैं। भाई बिग बॉस के घर में हाल ही में हेड ऑफ द हाउस अरमान मलिक को बनाया गया है। अब इसके बाद साई केतन राव और लवकेश कटारिया की भी फाइट हुई, लेकिन अब बिग बॉस ने घर वालों को राशन टास्क दिया है। इस टास्क में घर वालों और लवकेश को पूरे घर में अपना फोन लेकर घूमना है और हर एक कंटेस्टेंट के पास जाकर व्लॉग शूट करना है। अब इसी टास्क को लवकेश शिद्दत से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई व्लॉग शूट करते करते लवकेश कटारिया अदनान शेख के पास गए, जहां दोनों पहले तो ठीक से बात करते हैं, लेकिन फिर देखते ही देखते दोनों की बहस हो गई। लवकेश ने अदनान को कहा कि चलिए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं, जो कि अदनान है। इसके बाद लवकेश अदनान को बोलते हैं कि उसकी वाइल्डनेस निकालते हैं। बस यहीं से शुरू होती है लवकेश वर्सेस अदनान। जी हाँ, अदनान कहते हैं कि मुझे पता है कि व्यूज पाने के लिए व्लॉग में मेरा होना जरूरी है। अदनान ने लवकेश को कहा, मर्दों की तरह बात किया कर, लड़कियों की तरह बात मत किया कर। इतने में लवकेश कहते हैं कि कई लोगों को यहाँ मजाक बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद दोनों में भयंकर फाइट हमें देखने को मिली है। इस फाइट के बीच में ही यार लवकेश कटारिया अदनान का भी मजाक बनाते हैं और कहते हैं मच्छरदानी वाले कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ अदनान शेख भी बोलते हैं कि अरे चलना चेले, तेरा खुद का क्या है। तो कटारिया ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा तू भी तो चेला ही है। अब बहुत भयंकर फाइट हुई, जहाँ कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे का मजाक बनाया, तो यहीं पर दोनों ने एक दूसरे को मैनेजर बताया। अदनान कहते हैं मैं तो जो हूँ अपने दम पर हूँ, तू अपना बता, तू तो ऐसे घूमता रहता है कैमरा में आने के लिए। तो वही कटारिया बोलते हैं हमारे में तो उसे दोस्ती कहते हैं, तेरे का पता नहीं। तो इनकी फाइट जो हुई है वो एक दूसरे को टोंट भी खूब मारे गए हैं। बट आपका क्या कहना है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस फाइट में? क्योंकि फाइट जो है वो मारपीट में तब्दील होने ही वाली थी कि घर वालों ने इन्हें आकर पकड़ लिया है। कमेंट करके बताइए अपनी राय। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करना ना भूलें।